नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कल के दिन के कुछ ऐसे स्टॉक, अगर आप दोस्तों उनमें अगर ट्रेड बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। साथ साथ बताऊंगा दोस्तों कि अभी निफ्टी में एक बहुत ही खास तरीके का पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं डबल टॉप, उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और साथ साथ बताऊंगा दोस्तों जो मैंने फ्राइडे को जो स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे और आज के दिन जो टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक रिकमेंड करे थे उनमें आज क्या हुआ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अब मैं लेके जाता हूं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और आपको बताता हूं कौन से स्टॉक थे जो मैंने आज के दिन आपको रेकमेंड करे थे और ऐसे कौन से स्टॉक थे जिनमें आपकी पोजीशन मैंने फ्राइडे को बनवाई थी, उनमें क्या हुआ। इसके बाद बताऊंगा दोस्तों जो मैंने स्ट्रेटजी आपको फ्राइडे के दिन बनवाई थी तो उस स्ट्रेटजी में अभी क्या चल रहा है। तो सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। तो यहां पे मैं टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं और यहां पे मैं आपको बताता हूं कौन से स्टॉक थे जो मैंने आपको रेकमेंड करे थे। तो पहला जो स्टॉक था दोस्तों वो रिकमेंड कर रहा था जिंदल स्टील का, क्योंकि जिंदल स्टील में एक खास तरीके का पैटर्न बन रहा था जिसको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों वो था इवनिंग स्टार जिंदल स्टील में। और मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि कई बार स्टॉक्स में एसएल कटते हैं बट एसएल कटने के बाद भी दोस्तों पैटर्न दोबारा से फॉर्म होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि 242.30 के आसपास बोला था कि आप जिंदल स्टील में अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं और देखते हैं अभी इसमें क्या हुआ और कहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहां पे हम जाते हैं जिंदल स्टील के चार्ट पे और जिंदल स्टील के चार्ट पे ही मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों कि अभी जो फिलहाल जिंदल स्टील की जो क्लोजिंग हुई है वो ये 241.10 पे, बट यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पैटर्न अभी जिंदल स्टील में देखने को मिल रहा है। तो यहां पे मैं आपको ये अवर्ली का चार्ट मैंने लगाया है, इसको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, काफी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों जिंदल स्टील में काफी दिनों से एक अप ट्रेंड देखने को मिला था और यहां पे अगर हम देखते हैं, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे इस एरिया में यहां पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला था जो था इवनिंग स्टार। अब आपको पता है दोस्तों इवनिंग स्टार क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे सेलिंग इसकी इनिशिएट हो गई थी बट आज क्या हुआ, इसमें गैप अप मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे एसएल बना। बट एसएल कटने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक और पैटर्न फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं डबल टॉप। अब यहाँ पे मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, कहीं इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि जब भी कोई स्कैंडल पे एसएल कटता है तो आपको उस टॉप पे खास नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस कैंडल पे एसएल कटा है वहां पे दूसरा पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है। तो सेम दोस्तों आज हमें जिंदल स्टील में देखने को मिला। तो मैंने आपको 242.40 पे बोला था कि इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाने के लिए, अब मैंने क्या करा चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम चार्ट पे डबल टॉप देखते हैं तो चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखना पड़ता है क्योंकि वहां पे हमें पुराना डेटा भी उठाना पड़ता है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे ये देखेंगे दोस्तों डबल टॉप देखने को मिला है। अब डबल टॉप क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप का जब हाई ब्रेक करता है वो भी ऊपरी लेवल पे, चार्ट के टॉप पे आपको डबल टॉप देखने को मिलता है। कई लोग इसको वी बोलते हैं, कई लोग इसे यू बोलते हैं, बट मैं इसे वी और यू नहीं बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा जब सेकेंड हाई फर्स्ट हाई से ऊपर है। यानी कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो सेकंड हाई बना है वो फर्स्ट हाई से हायर होने की वजह से क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है आपको। और यहां पे हमें क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा दोस्तों। अगर मैं बात करना चाहूं कि जब इसने नया हाई बना रहा था तो यहां पर ये क्या चल रहे थे, बिल्कुल नीचे की तरफ चल रहे थे। तो यहां से लग गया था कि अब ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल इसमें क्लोजिंग हुई है दोस्तों 241.10 की। और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आप यहां पे अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। इसका मैं आपको एसएल बता देता हूं, एसएल बनता है 246 का, 246 रुपए का एसएल बनता है किसमें, जिंदल स्टील में। मैं लिख देता हूं स्टॉक का नाम जिंदल स्टील। तो यहां पे 241 के आसपास अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं 246 रुपए के एसएल से। और मुझे जो इसका टारगेट लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है 236 रुपए के आसपास, क्योंकि यहां पे क्या है एक स्मॉल गैप है, आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है वहां पे दोस्तों ये टच कर सकता है। तो आप 241 के आसपास अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, 241 पे 242 243 जहां भी आपको मिलता है, और 236 का आप क्या रख सकते हैं, पहला टारगेट रख सकते हैं। कहना चाहूंगा दोस्तों ये एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा, तो प्रॉफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका है। अब एक चीज और है जो मैं जिंदल स्टील के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, एक तो ये है कि डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, गैप का टारगेट मैंने आपको बता दिया 241 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, जो इसकी क्लोजिंग हुई है 246 के आसपास का एसएल रख सकते हैं। बट यहां पे अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यहां पे एक चीज और देखने को मिली है जो फिलहाल कुछ दिन पहले एस्कॉर्ट्स में भी देखने को मिली थी और उसमें भी दोस्तों उसका टारगेट आया था,
तो यहां पे ये ट्रेंड लाइन का भी क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहां पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ये, तो यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन का भी दोस्तों ये सपोर्ट ले रहा है और इसको इसने क्या करा, अब फिलहाल ब्रेक कर दिया गया, काफी दिनों से सपोर्ट ले रहा था। यहां पे भी दोस्तों सपोर्ट लिया था इसने, यहां पे नीचे आया था बट सस्टेन नहीं हो पाया, गैप अप ओपनिंग हो गई। अब ये यहां पे सपोर्ट इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया है और मुझे लग रहा है दोस्तों कल के दिन ये 236 रुपए का लो लगा सकता है। तो यहां पे जो कंफर्मेशन मिल रही है, फिलहाल मैं कंफर्मेशन की बात करूंगा, तो चार्ट पैटर्न के डबल टॉप से कंफर्मेशन मिल रही है, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो इस स्टॉक को दोस्तों अपनी रडार में जरूर रखिएगा और कल दोस्तों अगर आप इसमें ट्रेड बनाएंगे तो आशा करता हूं आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। तो जिंदल स्टील के बारे में आपको बताया, दूसरा जो स्टॉक था जो मैंने आपको रिकमेंड करा था वो था टाटा केमिकल। टाटा केमिकल मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था, इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफी तेजी होने के बावजूद भी टाटा केमिकल में कुछ खास तेजी नहीं हुई। आज 358 के आसपास हमें मॉर्निंग में मिला था और इसके बाद इसमें जो लो बना था 352 के आसपास बना था। मैंने भी आज इसमें 203,000 के आसपास शेयर सेल करे थे फ्रेश। आज जब ये 352 के आसपास आया था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने उसे प्रॉफिट को बुक नहीं करा। उसका रीजन क्या, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है, यहाँ पे बता देता हूँ, 336 रुपए के आसपास का बनता है। तो जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके दो लॉट शॉर्ट करे हैं। अगर मैं बात करूंगा तो दो कॉल इसकी शॉर्ट करी है मैंने, कितनी, 360 वाली, जो मैंने आपको दोस्तों फ्राइडे के दिन आपको बताया था। तो 360 वाली कॉल मैंने 10 रुपए के आसपास शॉर्ट करी है, आज वो क्लोज हुई है 7 रुपए के आसपास, 7 रुपए के आसपास क्लोज हुई है दोस्तों। तो वहां पे भी मेरे को अच्छे खासे पैसे अभी मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो पर लॉट मुझे 6,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, दो लॉट में 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है और रेट अभी दोस्तों वहीं पे ही खड़ा हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों यह कि इसमें 2-3 दिन का दोस्तों थीटा डिके हुआ है, टाइम वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कॉल में प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि ऑप्शन में भी ट्रेड बनाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि प्राइस दोस्तों क्या होते हैं, कभी डिक्रीज होते हैं कभी इंक्रीज होते हैं। अगर प्राइस आपके स्ट्राइक के नीचे चल रहा है, जो स्ट्राइक आपने बेचा हुआ है या फिर खरीदा हुआ है, जिस स्ट्राइक के दोस्तों आपने कॉल बेची हुई है उस स्ट्राइक के नीचे अगर वैल्यू ट्रेड करा रही है, प्राइस ट्रेड करा रहा है, तो दोस्तों उसका टाइम वैल्यू डिके होता है, यानी कि उसमें थीटा डिके होता है। तो कई बार कई वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं। अब कहना चाहूंगा दोस्तों अभी 358 के आसपास चल रहा है, इसमें अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको पता है दोस्तों 367 का मैं दे चुका हूं इसमें और टारगेट है 336 रुपए का। तो आपको कल के दिन भी अगर ये स्टॉक इस रेट के आसपास मिलता है तो ट्रेड बना के आप मुनाफा कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक के बारे में बात करूंगा फिर उसके बाद दोस्तों आपको निफ्टी के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए तब तक। तो यहाँ पे अगला स्टॉक है दोस्तों, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में दोस्तों एक SL हमारा कट गया था, बट कोई बात नहीं दोस्तों, SL भी कटता रहता है मार्केट में। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अभी फिलहाल देखने वाली बात यह है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना था, वापस में एक फोर्थ टॉप बन गया इसमें, ये दोस्तों इस तरीके से चल रहा है। और अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस चल रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है मुझे। बट अगर मैं बात करूंगा तो कहना चाहूंगा कि कल के दिन अगर ये 540 रुपए के नीचे ट्रेड कराएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। किसमें, टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील में भी दोस्तों अपनी जरूरत बना के रखिएगा। अब मैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में आता हूं जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, वो था HDFC बैंक। यहां पे देखेंगे दोस्तों HDFC बैंक मैंने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए, और दोस्तों उसमें आज क्या देखने को मिला मैं अभी आपको समझा देता हूं। यहां पे देखेंगे दोस्तों आज के दिन मैंने आपको HDFC बैंक बताया था, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे 1418 के आसपास बोला था अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो लो बना है, मैं अगर उसके लो की बात करूं तो यहां पे देखेंगे इसके बाद इसका लो बना है दोस्तों 1375 के आसपास। क्यों, क्या रीजन है उसका, मैं आपको पूरा रीजन आपको समझा देता हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे डेली के चार्ट पे जाएंगे। तो डेली के चार्ट के हिसाब से दोस्तों एक बहुत बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था, जिसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। और कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं, अपने ऑनलाइन कोर्स में भी बताया है कि जब भी किसी स्टॉक में ट्रिपल टॉप बनता है और स्मॉल ट्रिपल टॉप देखने को मिलता है तो दोस्तों उसमें बहुत बड़ी गिरावट होती है। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और साथ साथ दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे थे। तो यहीं पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, नए नए हाई बन रहे हैं इसमें, और नए नए हाई बनने की वजह से मैंने बोला था कि 1418 के आसपास पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं आप। अपनी लो बना है 1375 के आसपास। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक।
तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ऐसी नॉलेज मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सारे जो स्टॉक्स मैंने जो पोस्ट करे थे वो मैंने अपने पब्लिक चैनल पे नहीं करे थे, वो मैंने प्राइवेट चैनल पे करे थे, बट पब्लिक चैनल पे भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूं। तो यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक मेरे पब्लिक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे लिखना है चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे, लोगो मेरी पहचान है, इसको जाके जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों, अभी भी मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं निफ्टी पे नहीं आ रहा, निफ्टी पे मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं दिखा देता हूं कुछ और स्टॉक था जो मैंने आपको रिकमेंड करे थे। यहां पे वो था दोस्तों, यहां पे एस्कॉर्ट भी मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट किया था। एस्कॉर्ट के बारे में जाता हूं तो बताता हूं, 1426 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। इसको मैं जल्दी से बता के फिर मैं निफ्टी के ऊपर आता हूं। यहां पे देखते हैं एस्कॉर्ट का चार्ट, एस्कॉर्ट के चार्ट में दोस्तों यहां पे देखेंगे दोस्तों अवर्ली का चार्ट, तो यहां पे अवर्ली नहीं, फोर अवर्ली का चार्ट है। मैंने आपको कितने पे बोला था शॉर्ट के लिए, यहां पे देखेंगे तो यहां पे था दोस्तों इसका रेट 1426 का, 1426 रुपए के आसपास बोला था पोजीशन शॉर्ट में बनाने के लिए। और दोस्तों उसके बाद लो कितना बना है, अगर इसके बाद मैं क्लोजिंग की बात करता हूँ, लो की भी बात नहीं करता, तो लो बना है इसका 1398 का, क्लोजिंग है 1398 की, 1426 पे बोला था शॉर्ट बनाने के लिए। स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। तो आशा करता हूँ एस्कॉर्ट में ट्रेड करके पैसे बनाए होंगे आपने, HDFC बैंक में ट्रेड करके पैसे बनाए होंगे आपने। इसके अलावा दोस्तों टाटा केमिकल में भी ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, उसी रेट पे ही है, बट जो अगर आपने कॉल बेची होगी उसमें तो कॉल में आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे होंगे। जिंदल स्टील दोस्तों उसी रेट पे ही क्लोज हुआ है, टाटा स्टील में एक छोटा सा स्टॉप लॉस कटा था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको अपडेट करे थे अपने प्राइवेट चैनल पे। इसके अलावा एक स्टॉक और था दोस्तों बोलना चाहूंगा, वो था यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों आपको जल्दी से, स्टॉक का नाम है यहाँ पे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बोला था कि अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। ग्रेफाइट के अगर मैं चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेफाइट में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार के हिसाब से आपको बता देता हूँ, इसमें भी दोस्तों अपनी पोजीशन दोस्तों कल आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, और सेलिंग इसमें इनिशिएट हो चुकी है। तो क्लोजिंग रेट है दोस्तों 254 के आसपास ग्रेफाइट में आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि पैटर्न बना है इसमें जिसका नाम है शूटिंग स्टार। तो कल अगर कुछ लगता है मुझे कुछ नया अपडेशन आता है, तो लगता है कोई नए पैटर्न्स बनते हैं तो कल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखते हैं हम। अब इसको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों गैप अप हमें हमेशा से देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, और आज दोस्तों इसमें पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न है, नेगेटिव डाइवर्जेंस यहां से चलते हुए आ रहे हैं दोस्तों। यहां से देखो दोस्तों, यहां से नेगेटिव डाइवर्जेंस चलते आ रहे हैं। मेरे को जो इसका टारगेट लगता है वो लगता है 12,200 रुपए के आसपास। अब आप बोलेंगे इतना बड़ा आपने टारगेट कैसे दे दिया, बट मुझे लग रहा है फिलहाल कि 12,200 रुपए तक निफ्टी आ सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं इसके फोर अवर्ली के चार्ट की बात करूं तो फोर अवर्ली के चार्ट में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल डबल टॉप पैटर्न। आज से 2 साल पहले बैंक निफ्टी में ऐसा पैटर्न बना था, निफ्टी में पैटर्न बना था, बैंक निफ्टी वहां से 6000 पॉइंट गिरी थी, 5 से 6000 पॉइंट गिरी थी। सेम पैटर्न दोस्तों देखने को मिला था वहां पे, और स्टॉप लॉस था हमारा उस टाइम पे, हमने 70 पॉइंट के एसएल से बैंक निफ्टी को बेचा था, और बहुत बड़ी दोस्तों गिरावट उसमें देखने को मिली थी। तो वही पैटर्न दोस्तों देखने को मिल रहा है, और देखो क्या जबरदस्त वाले दोस्तों डाइवर्जेंस है, मतलब दिल से आवाज आ रही है कि बेचो यार इसे, मतलब बेचना बनता है, निफ्टी को बेचना बनता है छोटे से एसएल से। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एक लेवल दे रहा हूं उस लेवल के अकॉर्डिंगली चलिएगा, पैसा आपका बन सकता है। और कहना चाहूंगा फिर से एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड बनाते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लें। तो यहां पे दोस्तों निफ्टी को अगर आपको शॉर्ट करना है, मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं, निफ्टी स्पॉट, ठीक है, यहां पे 12,900 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी को सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, आज का स्टॉप लॉस है वो आपको बताना चाहूंगा, जो आज का हाई है वो बताना चाहूंगा दोस्तों 12,970 का है। 70 पॉइंट का एसएल तो आप ले ही सकते हैं दोस्तों, इतनी बढ़त आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है तो 70 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होंगे इसमें। तो निफ्टी को आप सेल कर सकते हैं 12,900 के आसपास,
70 पॉइंट के एसएल से मुझे पहला जो टारगेट दोस्तों इसमें लग रहा है, पहले टारगेट की अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट दोस्तों जो इसका है वो है 12,730 का, ठीक है। और वैसे लॉन्ग टर्म में मुझे टारगेट लग रहा है इसका 12,200 रुपए के आसपास। तो ये दो लेवल दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, 12,900 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो दोस्तों ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है पुट खरीद लो उसकी कि सर आपने बोला था मैंने पुट खरीद ली। इसमें दूसरी स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं आप, इसकी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, डीप इन द मनी की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। क्योंकि अगर पुट बाय करेंगे और वो वहीं पे ही सस्टेन करेगा रुकेगा तो दोस्तों उसमें थीटा डीके भी हो सकता है, टाइम वैल्यू का भी लॉस हो सकता है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड बनाना है, क्योंकि आधा अधूरा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई टिप्स दे रहे हैं, हम सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट्स से। अब आपको टेक्निकल चार्ट्स की नॉलेज नहीं होगी और आपको ऑप्शंस की नॉलेज नहीं होगी तो दोस्तों वहाँ पे आपको नुकसान होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कई लोग तो फ़ोन करते हैं बोलते हैं सर आपने बोला था शूटिंग स्टार मैंने वहाँ बाय कर लिया। मैंने कहा शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है? कह रहे पता नहीं, तो आपने बाय क्यों कर लिया? कह रहे वो मुझे पता नहीं बट आपने लिखा था शूटिंग स्टार तो मैंने बाय कर लिया। मैं ये समझाना चाहूंगा कि भैया पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मतलब यही नहीं है कि शूटिंग स्टार का मतलब सेल होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि उसका हाई लो क्या है, इसके साथ साथ देखना है कि स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 20 तरीके के दोस्तों लॉजिक होते हैं हर कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे। तो बेटर यह है कि आप उसे सीख के समझ के तभी ट्रेड बनाए। यहाँ तो टेलीग्राम चैनल पे हम बस आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कोई टिप्स नहीं देते। तो फिलहाल मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपको इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे आज मेरा जो ट्रेड था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ और अपने लॉस और प्रॉफिट शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे डेली प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग में दोस्तों कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, बट मेरा जब प्रॉफिट होता है तो उसे मैं पूरा राइड करने की कोशिश करता हूँ और छोटे छोटे प्रॉफिट छोड़ता हूँ मैं कई बार। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदल स्टील में मुझे लॉस हुआ है 6,461 रुपए का, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई थी मेरी और नीचे थोड़ा सा सेल किया था मैंने। 11,000 के आसपास का लॉस हुआ मुझे टाटा स्टील में। टाटा केमिकल में मुझे प्रॉफिट हुआ 240 रुपए का। तो अगर इंट्राडे की बात करूंगा तो 17,000 रुपए के आसपास का मेरा आज का लॉस है इंट्राडे में। और जो पोजिशन मैंने पहले बनाई हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने 10 रुपए के आसपास दो कॉल शॉर्ट करी हुई है और मुझे उसमें प्रॉफिट आ रहा है 12,600 रुपए का। टाटा केमिकल की मैंने कॉल शॉर्ट करी हुई है, आपको पता है 360 वाली कॉल शॉर्ट करी है 10 रुपए पे और अभी उसी रेट पे है टाटा केमिकल 358 के आसपास ही है, बट दोस्तों 3 रुपए मेरी कॉल का रेट टूट चुका है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 12,600 का, दो लॉट है मेरे पास। हैवेल्स में मैंने दोस्तों सेलिंग करी थी 840 वाली कॉल शॉर्ट करी थी, कितने पे 16 रुपए पे, आपको भी कराई है, आपकी पोजीशन अभी रखी हुई है 5.55 पैसे का रेट चल रहा है, 19,600 रुपए का मेरा अभी प्रॉफिट हो रहा है, दो लॉट हैवेल्स के हैं। तो ये वाली पोजीशन मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है मैं थर्सडे के आसपास या एक दिन पहले वेडनेसडे को स्क्वायर ऑफ करूंगा तो मैं इसका प्रॉफिट बताऊंगा। फिलहाल मेरा आज इंट्राडे का जो लॉस है वो है 17,000 रुपए के आसपास का। तो कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीख के प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, साइन अप करिए, लॉगिन पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसकी फीस है मात्र 7,999। ऑप्शन का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसकी फीस है 11,000 रुपए और दोनों का कॉम्बो परचेज करते हैं दोस्तों वो आपको पड़ेगा 17,000 रुपए के आसपास, जिसमें आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कहना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस में 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलएड वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई हुई है। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा ऑप्शंस में 59 वीडियोस हैं, 15 आवर्स का कोर्स है, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। साथ साथ कहना चाहूंगा इसमें बेसिक ऑप्शन, ऑप्शन चेन, इसके साथ साथ ग्रीक्स, 20 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, इसके पे ऑफ, बहुत सारी चीजें दोस्तों सिखाई हैं, काफी डिटेल में आपको सिखाई हुई है, जो चीज बताई है वो आपको समझ में भी आएगी। साथ साथ कहना चाहूंगा इसमें आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था जिसमें मैं काफी सपोर्ट करता हूँ लोगों को और कुछ ट्रेड्स भी बताता हूँ वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूंगा आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको संडे का वेबिनार मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हर संडे मैं लाइव वेबिनार करता हूँ जिसमें मैं आपको अगले हफ्ते की स्ट्रेटजीज बताता हूँ और आपके डाउट भी क्लियर करता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ वीडियोस मिलती है, पीडीएफ फाइल मिलती है और मैं बीच बीच में मीटअप भी प्लान करता हूँ। तो कहना चाहूँगा दोस्तों जल्दी से जाइए मेरी वेबसाइट पे, वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा और ये कोर्स परचेस करके मास्टर ट्रेडर की ओर अपना कदम रख सकते हैं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो फ्री डीमेट अकाउंट के लिए और संडे के वेबिनार के लिए, अगर आप संडे के वेबिनार भी लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट
तो नीचे लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, वहां पे जाइए एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। और दोस्तों अगर आप अभी एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक महीने तक आपकी ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई ब्रोकरेज आपको पे नहीं करनी, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। साथ साथ कहना चाहूंगा इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, मैं भी अपने जो ट्रेड है वो एंजल ब्रोकिंग के साथ ही बनाता हूं, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एंजल ब्रोकिंग को प्रमोट कर रहा हूं और मैं सिर्फ एक ही ब्रोकर को प्रमोट करता हूं, किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी सर्विसेज अच्छी लगती है और जब इसकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करूंगा। बट मैं काफी दिनों से एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड कर रहा हूं और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक सर्विसेज में मुझे इनकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी हैंग नहीं होता, कभी बिना पूछे ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते, मार्जिन भी दोस्तों पूरा देते हैं। तो कहना चाहूंगा मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड इस ब्रोकर के साथ, और अगर आप भी अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो नीचे लिंक के थ्रू आप एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।